चेयरमैन साहब, शुक्रिया तमाम सदस्यों का जो नए चुन के आए हैं, शुक्रिया इस मैंडेट का भी जिसने दोनों पक्षों को एक संदेश दिया है। सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं सबसे पहली चीज़ कहूँगा कि महामहिम के एड्रेस को अंग्रेजी में कहते हैं एड्रेस और हिंदी में कहते हैं अभिभाषण। मैंने बीते वीकेंड पर काफ़ी सर्च किया कि अभी उपसर्ग लगाने के पीछे मंशा क्या होगी, तो जितने मुझे तत्व मिले उससे ये लगा कि कोई बहुत बड़ी चीज होती है। मुझे स्मरण हुआ लोकसभा में प्रोफेसर हीरेन मुखर्जी थे, वो कहा करते थे कि अभिभाषण यानी प्रेसिडेंशियल एड्रेस पक्ष और विपक्ष को मिलकर लिखना चाहिए। पक्ष सिर्फ अगर लिखता है, या उस वक्त कह रहे थे हीरेन मुखर्जी, तो कोशिश ये होती है कि दृष्टिहीनों को चश्मा पकड़ा दिया जाए। हमारी कोशिश वो नहीं होनी चाहिए। मैंने पिछली दफा भी कहा था, अब कब ये बदलाव होगा मैं नहीं जानता, लेकिन इस मैंडेट को मैं सबसे पहले बोलूंगा, उसके बाद बिंदुवार कुछ चीजों पर पैरा दर पैरा जो अभिभाषण के संदर्भ थे। शुक्रिया बहुत बहुत। तो वाइस चेयरमैन साहब, मैं उन बातों का बहुत जिक्र नहीं करूंगा जो उनकी बातों में शुमार नहीं थी। अब ये मैंडेट की बहुत चर्चा हो रही है, मैं नहीं जाना चाहता हूं किसी ने कहा अब की बार फलाना पार चिलाना पार हमने ये कहा, लेकिन मैंडेट दोनों के लिए एक बात कहता है। उधर मैंडेट कहता है कि मैं मेरा मुझको की सीमा होती है, आत्ममुग्धता की सीमा होती है, व्यक्ति केंद्रित विमर्श की सीमा होती है, लोकतंत्र में सामूहिकता बहाल होनी चाहिए। और हमारे लिए संदेश है कि आपने जो कुछ किया शायद इनफ नहीं था। अगर हम किताब संविधान के हाथ में ले रहे हैं तो इसके पन्ना दर पन्ना, सफा दर सफा, हरफ दर हरफ हमको जीना पड़ेगा, लोगों को भरोसा दिलाना पड़ेगा। लेकिन हां, इस मैंडेट की कुछ खूबसूरत चीजें बता रहा हूं। लोकतंत्र में सामूहिकता बहाल हुई। मैंने बीते 10 वर्ष से कान तरस गए थे एनडीए सुनने को। बीते एक महीना में इतनी बार एनडीए सुना, दिल को बहुत सुकून हुआ। यकीन मानिए, विपक्ष में है, शत्रु नहीं है, लेकिन व्यक्ति केंद्रित विमर्श से यह मैंडेट आपको भी बाहर ले आया, वो बेहद आवश्यक था। दूसरी चीज कहूंगा हल्के लाइटर टोन में, अचानक मुझे लग रहा है कि हमारे प्रिय रक्षा मंत्री जी की जबरदस्त वापसी हुई है। हर मोर्चे पे वो हैं, इससे बात करनी है तो रक्षा मंत्री जी, उससे बात करनी है तो रक्षा मंत्री जी। ये सुखद संकेत है, ये सुखद संकेत है इस लोकतंत्र के लिए। अब माननीय वाइस चेयरमैन साहब, मेरा ये कहना है कि नीट को लेकर के बहुत बात हुई, नहीं बोलूंगा। मैं अलहदा आदमी था जब एनटीए बन रहा था, उस समय वेंकैया नायडू जी थे वहां। मैंने 0 आवर में 3 बार कहा कि इस देश को इस तरह की व्यवस्था परेशान करेगी, ये बीमारी नहीं पालनी चाहिए। वन नेशन वन फलाना, वन नेशन वन ठिकाना, वन नेशन वन चिल्लाना, काहे को भैया, कहीं ऐसी स्थिति नहीं हो जाए कि वन नेशन वन ठेकेदार, वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्टर। पूरी तरह हुआ नहीं है संजय भाई, होने की संभावना है। अब अभी मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग कहते हैं कि राजनीति मत करो इस पर, मैं पूछना चाहूं कि लोगों की पीड़ा परेशानी 25-30 लाख युवाओं के सपने तहस नहस हो जाएं, आप विपक्ष से क्या उम्मीद करते हैं? आपकी ऑर्केस्ट्रा में शामिल होके कहे साहब तेरे सुबह की जय, साहब तेरे शाम की जय, ना। विपक्ष को अपना काम करने दीजिए। अगर आपने ईमानदारी से एनटीए का मूल्यांकन किया होता, आपने क्लीन चिट पहले दिन ना दी होती हड़बड़ी में, आज ये नतीजे ना होते। एक वर्धा विश्वविद्यालय है, मैं आपके माध्यम से कहूं, हमारे माननीय हेल्थ मिनिस्टर और लीडर ऑफ द हाउस है यहां सर, वर्धा यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है, जांच करवाइएगा। आप पावरफुल लोग हैं, हमारे पास पावर नहीं है, हम आपसे आग्रह कर सकते हैं। ये आग्रह कर रहा हूं महात्मा गांधी के नाम पर, वो विश्वविद्यालय हो रहा था और गांधी जी के लिए जो चीज त्याज्य थी वो सारी चीजें उस विश्वविद्यालय में हो रही है। परसों टेस्ट में क्या हुआ, ये सब चीजें हमें चिंता देनी चाहिए। अरे आज आप सत्ता में हैं, कल को हम सत्ता में होंगे, लेकिन अगर देश के सरोकार ही रुग्णावस्था में चले जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, तो फिर क्या बात, फिर कौन सी राजनीति, फिर कौन सी समाज नीति। युवाओं के रोजगार पर
मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, बहुत लोग बोले हैं। बिहार से आ रहा हूं सर, पूरे चुनाव बिहार में था। बिहार में हमें भले सीट कमाई हो, लेकिन बिहार के युवा से किसी भी जाति का हो पूछिए नौकरी, नौकरी मतलब तेजस्वी। हमने मयार बदला, वहां वहां चिंतन बदल दी, धारा बदल दी। आप आपकी आपकी मर्जी है, कुछ भी कहिए, आप लोग तो जज भी हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जितनी जितनी गालियां मुझको देनी है अपने भाषण में दे लीजिएगा, खूब दीजिए गाली। आदि हो गए हम गाली सुनने के, फिर सुन लेंगे आपसे गाली, लेकिन कुछ बातें रखने दीजिए। NIOS DLED का मसला है, आप ही ने बनाया, आप ही ने उसको डिलेजिटिमाइज कर दिया। भटक रहे हैं हजारों बच्चे, शिक्षा प्रेरक का वही हाल है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश में बहुत बुरा हुआ चुनाव के दौर में, भैंस मंगलसूत्र मुजरा टोटी तोड़ ले जाएगा, बिजली काट देगा। सर परेशान हुए हम लोग, मैं चुनाव देख रहा था बैकरूम से, कंप्लेन कर रहा था इलेक्शन कमीशन को, जिसको दाद दी गई है अभिभाषण में। सर कंप्लेन फर्स्ट फेज में किया, परसों मेल आता है, परसों डे फॉर यस्टरडे, अपना नाम पता असेंबली नंबर मोबाइल नंबर भेजिए। अब किस बात का भैया, अब किस बात का, ये व्यवस्थाएं हैं। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे एक सर्वे हुआ, 28% लोगों का सिर्फ भरोसा है, इससे ज्यादा भरोसा तो पंचायत वेब सीरीज में फुलेरा के ग्राम प्रधान का है। लोगों को यह सोचना चाहिए। मैं सर मैथमेटिकल लेंथ ऑफ टेनियर के आधार पर नेहरू बनाने की कोशिश हो रही है। सर मैथमेटिकल लेंथ ऑफ टेनियर से नेहरू नहीं बनता, नेहरू बनता है जो गर्म हवा को पी सके, दूसरे के जख्म को देख करके उस पर मलहम लगाए, जख्म कुरेदे नहीं, जख्म पे नमक ना छिड़के, वो होता है नेहरू। तो सिर्फ मैथमेटिकल इससे। अब सर आपको एक छोटी चीज बताऊं, जातिगत जनगणना की मांग की थी, हमारे जदयू के साथी लोग भी थे, अभी हैं मंत्री जी प्रणाम, हमारे जदयू के साथी लोग भी थे, नीतीश जी तेजस्वी जी ने मिलकर सर्वेक्षण कराया। सर मैडम कोर्ट में आया, कोर्ट में कौन खड़े हुए, यहां नाम लूं, सॉलिसिटर जनरल ने रोकने की कोशिश की, किसके इशारे पे हो रहा है। एक तरफ आप कहते हैं वंचितों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे, और दूसरी तरफ आप इस प्रकार की कोशिशें करते हैं। आज बिहार की सबसे बड़ी मांग है कि सर्वेक्षण के बाद जो जो आरक्षण का आधार बढ़ाया गया उसको 9वीं अनुसूची में डालिए। अभी पटना उच्च न्यायालय का एक निर्णय आया, हम इंतजार करते रहे हैं सरकार से, बिहार की सरकार से, कि वो चैलेंज करे इसको, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल पिटीशन लेके जाएगा सुप्रीम कोर्ट। सर आप बोल दीजिएगा, अभी तक गई नहीं है, मुझे भी जानकारी है सर, बहुत फॉलो करता हूं क्लोजली, बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं। सर अभी महामहिम ने मेजॉरिटी की बात की, मैं उस पर शुरू में बोल चुका हूं, लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी को हमेशा मॉरल मेजॉरिटी के सापेक्ष रखना होगा, मॉरल मेजॉरिटी के सापेक्ष। अगर आप मॉरल मेजॉरिटी से नहीं चलाते हैं तो लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी जिस दिन साइकिल पे तीर सवार हुआ ना, ये उड़ जाएगा। साइकिल चुनाव चिन्ह है TDP का, और तीर हमारे रामनाथ भाई का, जनता दल यूनाइटेड का। एनीवे भाजपा का देखिए, कभी कभी मैंडेट कितना खूबसूरत काम करता है। हम बचपने से बीजेपी को मैं फॉलो कर रहा हूं, सारी पार्टीज को करता हूं, बीजेपी को भी कर रहा हूं। बीजेपी का संकल्प पत्र हुआ करता था, इस बार वो हो गया था मोदी जी की गारंटी। इस डेमोक्रेटाइजेशन का जो मैंडेट है, इससे आपको बहुत बड़ा फायदा है। व्यक्ति के समक्ष कोई भी दल समर्पित ना हो जाए, ये मैं समझता हूं उपलब्धि आप लोगों की भी है जी। RJD गारंटी नहीं लिखती है व्यक्ति की। मैम प्रोटेक्ट मी, आई नीड योर प्रोटेक्शन। मैम चेयरपर्सन आई हैव 15 मिनट्स। आप
वुड यू केयर टू सिट डाउन सर? ये तरीका नहीं है सर, लीडर ऑफ द हाउस ऐसे चलेगा? आप बीच में मत बोलिए प्लीज मैम। कभी किसी को टोका टोकी नहीं करता हूं, सच चुभने लगता है सर। फिफ्थ मैं फिफ्थ पैरा दिखाना चाहता हूं, प्रेसिडेंट के एड्रेस का फिफ्थ पैरा। इसमें कहते हैं ग्रोथ स्टोरी, अच्छा लगता है सुन के। व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ, कैसी प्रगति, कैसा विकास? जॉबलेसनेस, होपलेसनेस, फेसलेसनेस, और आप चाहते हैं कि उस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के पक्ष में हम ताली बजाएं। सर मैम मेरी ये किताब कॉन्स्टिट्यूशन संभवतः सबसे पहले मैंने ही दिखाना शुरू किया था, निर्मला जी नहीं है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। हर बजट के बाद में आर्टिकल 39 पढ़ता था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। कोई ब्लूप्रिंट है कि आय की जो असमानता है इस देश को लील रही है? ताली बजा रहे हैं, 5 करोड़ पूंजीपति तरक्की कर रहे हैं उसको देश की तरक्की मान रहे हैं। कभी उस युवा से पूछिए वो देश की तरक्की को कैसे देख रहा है, ऐसा जवाब देगा कि मुश्किल पड़ेगा हैंडल करना। मैम पैरा 16 में बाबा साहब को सेलेक्टिवली कोट किया गया। ये सेलेक्टिव कोट बड़ा परेशानी का चीज है कि आप किसी को सेमी कोलन के बाद कोट कर दें, उसके पहले की बात छोड़ दें। ये इसको हम लोग की भाषा में एकेडमिक्स में कहते हैं ऑलमोस्ट अकिन टू प्लेजरिज्म, वो किया गया। अब प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के वक्त कहा कि एक ही जाति है वह है गरीबी। सुनने में शायराना लगता है, खूबसूरत लगता है, फिल्मी लगता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि जातिगत हायरार्की में नीचे जाते हैं तो गरीबी बढ़ती है, ऊपर जाते हैं तो गरीबी घटती जाती है? अब मैं समझता हूं कि ये NFS नॉन फाउंड सूटेबल ये चिंता का विषय है सबको। अभी अनुराग अनुप्रिया पटेल जी को चिट्ठी लिखनी पड़ी है। मैं बताऊं ये एक मानसिक रोग है जो नॉन फाउंड सूटेबल करता है विश्वविद्यालयों में। इस मानसिक रोग से डील नहीं किया ना तो हमारी कथनी और करनी में मीलों का फासला होगा। कहा गया पहले की कुछ सरकार अनस्टेबल थी, लेकिन अगर आप प्रो पीपल लेजिस्लेशन का विश्लेषण करें तो सबसे ज्यादा खूबसूरत क्षण सो कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट में आई है, और मुझे उम्मीद है कि आपकी इस कोलिशन गवर्नमेंट को भी उस प्रेशर को समझते हुए प्रो पीपल लेजिस्लेशन पे काम करना पड़ेगा। टू बिगिन विथ अग्निवीर को सेना में भर्ती को पुरानी तरीके पर लाइए ताकि युवाओं के साथ न्याय हो पाए। सो मैम वो मैं बोल चुका हूं, भारतीय न्याय संहिता आज से लागू हो गई, लेकिन हमें याद रखना चाहिए 150 सांसदों के निलंबन के साथ ये पास हुआ है, इसमें कोई चर्चा नहीं हुई। ये एक कदम है पुलिस स्टेट की ओर, एक ऑर्वेलियन स्टेट की ओर। इससे मैं आगाह करता हूं क्योंकि हमेशा आप वहां नहीं होंगे, जब यहां होंगे तो यही दंड प्रावधान लागू होंगे। मैं और सुनिए, पैरा 26 डिसरप्टिव फोर्सेस आर कंस्पायरिंग टू वीकेन डेमोक्रेसी, महामहिम से कहलवाया गया। ये स्टेन स्वामी कौन थे, कैसे इस दुनिया से गुजर गए, क्यों आज भी उमर खालिद, मीरान हैदर, खालिद सैफी जैसे जवान जो सरकार की आलोचना को देश की आलोचना बना दिया गया। और मैं दो किताब, अगर ये किताबें मेरे पास आती हैं तो नड्डा जी के कार्यालय में भी पहुंचना चाहिए, द इनकार्सरेशन बाय अल्पा शाह और ये चैलेंजिंग कास्ट बाय एजाज अशरफ। ये दास्तान है डेमोक्रेसी, हाउ इट इज बीइंग मजल्ड। एनीवे मैम मैं ज्यादा वक्त लेते हुए नहीं कहूंगा, इमरजेंसी पे बात हुई मैम वाइस चेयरपर्सन, इमरजेंसी पे बात हुई, सचमुच बहुत बुरा अध्याय था, लेकिन मुझको लगता है कि इंदिरा जी के एडवाइजर बहुत स्मार्ट नहीं थे। आज की तरह के होते ना तो कहते 352 की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही बना देंगे। ये हालात, ये फर्क है। और आखिरी में कहूंगा कि ये जो चुनावी विमर्श है इसकी वजह से जहर बहुत है समाज में, लिंचिंग चल रही है, लिंचिंग। मैं कितने विजुअल्स बताऊं, आज से 3 दशक पूर्व
मुझे स्मरण है राही मसूम रजा ने एक छोटी कविता लिखी थी, मैं यही कह के खत्म करूंगा। उन्होंने कविता लिखी थी, वो आधा गांव के लेखक थे, कई लोग उनको महाभारत के लेखक के रूप में जानते हैं। उन्होंने एक और उनके लिए गंगोली और गंगा उनकी माँ थी, ये था एक भारतीय मुसलमान का चित्रण। उन्होंने लिखा था, मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, मुझको कत्ल करो और मेरे घर में आग लगा दो, मेरे उस कमरे को लूटो जिसमें बयाने जाग रही हैं मेरी, और जिसमें मैं तुलसी की रामायण से सरगोशी करके कालिदास के मेघदूत से कहता हूँ मेरा भी एक संदेश। अब आइए दूसरा, ये साढ़े तीन दशक पूर्व लिखी गई अभी, और यही मैं खत्म करूंगा। ये पूरे देश का चित्रण है, ये हम सब के लिए आईना है, वरना मारे जाओगे। रघुवीर सहाय को याद करते हुए एक युवा कवि अदनान नाम के लिखा है, मत भूलो कि तुम मुसलमान हो, बस 30 सेकेंड और लूंगा, मत भूलो कि तुम मुसलमान हो, बस लोगों को छलावा देते रहो कि तुम मुसलमान नहीं हो, वरना मारे जाओगे। राह चलते ख्याल रखो कि कहीं तुम्हारी कमीज से मुसलमान होने की बू तो नहीं आ रही, ख्याल रखो किसी से बहस करते हुए, कुछ बोलते हुए, कुछ करते हुए, यहाँ तक कि हंसते और रोते हुए भी कि कहीं तुम मुसलमान तो नहीं लग रहे हो, वरना मारे जाओगे। ये बात हमेशा याद रखो कि तुम एक मुसलमान हो और तुम मरोगे नहीं, एक दिन मारे जाओगे। विवेकहीनता तर्कहीनता के समाज को ध्वस्त करिए, आइए हिंदुस्तान बनाएं, वो हिंदुस्तान जहां कोई फर्क ना हो, गले लग सके, ये नहीं कि चुनावी मन से कुछ, जमीन पे कुछ। जय हिंद मैम, जय हिंद। थैंक यू।